Hello everyone, welcome back. My name is Amita and I'm back with another new video on GST. So, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के बारे में और ड्यू डेट्स क्या होंगी, कौन कौन से रिटर्न फाइलिंग फॉर्म होंगे जीएसटी में. इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो, या आप रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, क्या लेट फीस आपको देनी होगी, क्या पेनाल्टीज होगी, क्या इंटरेस्ट पे करना होगा. साथ ही में हम रिवाइज रिटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस फ्लो, इसमें 8 स्टेप्स होती है. फर्स्ट स्टेप में GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल डालनी होती है. जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स आपको GSTR 1 में डालनी होगी. इसके लिए आपके पास समय होगा नेक्स्ट मंथ की 10th तक का. सेकेंड स्टेप में आपको GSTR 2A में जो भी GSTR 1A में आपके सप्लायर ने डिटेल डाली थी वो आपको GSTR 2A में ऑटो ड्राफ्टेड शो होने लगेगी. ये आपको 11th से दिखना स्टार्ट हो जाएगी. थर्ड स्टेप में आप GSTR 2A में अगर कोई चेंजेस करना है तो आप GSTR 2 में कर सकते हैं. सपोज़ आपके जो सप्लायर है उसने कुछ इन्वॉइसेस डालना रह गए हो, या फिर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने रिकॉर्ड्स इसे चेंज कर सकते हैं. इस तरह से आप GSTR 2 में डिटेल्स डालेंगे. इसके लिए आपके पास टाइम होगा 11th से लेके 15th तक का, नेक्स्ट मंथ की. फोर्थ स्टेप स्टेप 2 की तरह होगी. इसमें GSTR 1A में डिटेल्स ऑटो ड्राफ्टेड शो होगी सप्लायर को. इन्हें फर्स्ट जो सेकंड स्टेप थी इसमें GSTR 2A में रिसिपिएंट को डिटेल्स शो होगी ऑटो ड्राफ्टेड जो आपके सप्लायर ने डाली थी, और स्टेप फोर्थ में GSTR 1A में डिटेल्स सप्लायर को शो होगी जो आपके रिसीवर ने डाली थी, इन्हें उसने जो चेंजेस किए थे. अब फिफ्थ स्टेप में जो सप्लायर है वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा जो भी मॉडिफिकेशन किए गए थे रिसीवर के द्वारा. इसके लिए उसके पास टाइम होगा 17th तक का. 17th को ही जो भी सप्लायर के द्वारा मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या रिजेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली GSTR 1 अमेंड हो जाएगा. 7th स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा. पेमेंट के लिए आपके पास टाइम होगा 20th तक का, नेक्स्ट मंथ की. और फाइनल स्टेप होती है 8th. इसमें आपको GSTR 3 में रिटर्न फाइल करना होगा, मंथली रिटर्न. तो इस तरह से 8 स्टेप है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा GSTR रिटर्न फाइल करने के लिए. आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. GST में मेन 3 चीज़ें होगी. एक तो आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और मेन रिटर्न. यानी आपको अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी है. इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स ऑटोमेटिक आती है, आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और फाइनल स्टेप होती है रिटर्न फाइलिंग की. एग्जाम्पल से समझते हैं. इस एग्जाम्पल में मिस्टर महेश है जो सप्लायर है, और मिस प्रीति है जो रिसीवर है. मिस्टर महेश को अपना रिटर्न फाइल करना है तो इन्हें GSTR 1 में डिटेल्स डालनी होगी अपने आउटवर्ड सप्लाई की. इसके लिए उनके पास टाइम होगा नेक्स्ट मंथ की 10th तक का, यानी विदिन 10 डेज इन्हें अपने डिटेल्स डालनी होगी आउटवर्ड सप्लाई की. जब ये अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स डाल देंगे तो ये डिटेल्स मिस प्रीति को GSTR 2A में शो होने लग जाएगी. अभी अपने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो करेंगी. जब ये अकॉर्डिंगली उनके रिकॉर्ड्स इसे मॉडिफाई करती है तो ये चीज़ आपके सप्लायर को GSTR 1A में शो होने लग जाएगी. अब GSTR 1A को जो आपका सप्लायर है वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है. अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो अकॉर्डिंगली इनका GSTR 1 अमेंड हो जाएगा. और जब इनका GSTR 1 अमेंड हो जाएगा, वैसे ही जो आपका रिसीवर है उसका GSTR 2A अमेंड हो जाएगा. ये देखिए, इफ़ चेंजेस मेड बाय द प्रीति आर एक्सेप्टेड बाय महेश देन हर फॉर्म GSTR 2A विल बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म GSTR 2A एंड अदर डिटेल्स हर फॉर्म GSTR 2 विल बी जनरेटेड. इस तरह से मिस प्रीति का, यानी कि सप्लायर का, GSTR 2 जनरेट हो जाएगा. अब हम रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस देख रहे थे मिस्टर महेश की, यानी सप्लायर की. सप्लायर से रिलेटेड उनने जो भी डिटेल्स थी GSTR 1 में डाली थी. अब ये रिसीवर भी होंगे, जब इन्होंने गुड्स को सेल किया है तो उन्होंने परचेस भी किया होगा, तो परचेस की जो डिटेल्स है वो इनको GSTR 2 में डालनी होगी. GSTR 1 में इन्होंने सप्लाई की डिटेल्स डाली थी, GSTR 1 में इनने जो इनवर्ट सप्लाई है उसकी डिटेल्स डाली है, यानी परचेस की डिटेल डालनी है. एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, GSTR 1 में
सेल की डिटेल डालनी है और GSTR 2 में परचेज की डिटेल डालनी है। परचेज की डिटेल हमें ऑटोमेटिक ऑटो ड्राफ्टेड होती है तो ये आ जाती है, जो सेलर है उसने डिटेल्स डाली होगी तो ऑटोमेटिक आपके इसमें परचेस में आ जाएगी। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो आपको बता दिया 2A और 1A में होते हैं। इस तरह से रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस होती है। इस तरह से GSTR 3 आपका मेन रिटर्न होता है, इसमें डिटेल्स होती है GSTR 1, GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 2 में इनवर्ड सप्लाई। फिर इसमें टैक्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो भी है वो कैलकुलेट हो जाएगा और आपका GSTR 3 प्रिपेयर हो जाएगा। आप GSTR 3 तभी फाइल कर पाएंगे जब आप अपने टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने GSTR रिटर्न को फाइल कर। आगे देखते हैं रिटर्न्स। GST में रिटर्न्स मंथली, क्वार्टरली और एनुअली होते हैं। मंथली रिटर्न किसे फाइल करना होगा? एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को मंथली रिटर्न फाइल करना होगा। क्वार्टरली रिटर्न केवल कंपोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट की है उनके लिए है। और एनुअल रिटर्न भी ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मीन्स इन चारों को छोड़ के सभी रजिस्टर्ड पर्सन को जो GST में रजिस्टर्ड है और एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होगा मंथली रिटर्न के साथ साथ। मीन्स अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है तो भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। अब मंथली रिटर्न में ड्यू डेट्स क्या होगी वो आपको बता देती हूँ। मंथली रिटर्न इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नेक्स्ट मंथ की 13 तक आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया GST में उस रजिस्ट्रेशन के वैलिड होने के 7th डे या फिर नेक्स्ट मंथ की 20th तक जो भी पहले होती है आपको रिटर्न फाइल करना होगा। इसकी फ्रिक्वेंसी भी मंथली होती है। अगर आपने TDS डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 51 तो आपको नेक्स्ट मंथ की 10th तक रिटर्न फाइल करना होगा। इन तीनों कैटेगरी के अलावा जितने भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है अंडर GST यानी जो भी डीलर्स हैं उन्हें नेक्स्ट मंथ की 20th तक रिटर्न फाइल करना होगा। अब क्वार्टरली रिटर्न देख लेते हैं। क्वार्टरली रिटर्न कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है। जिस तरह से जब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स आप GSTR 1 में डालेंगे तो जब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं किए तो उन्हें जो आपका रिसीवर है उसे GSTR 2A में डिटेल्स ऑटो ड्राफ्टेड शो होने लगती है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको ये डिटेल्स GSTR 4A में शो होने लगेगी। अकॉर्डिंगली आप इसे अमेंड कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं और आफ्टर मॉडिफिकेशन आप GSTR 4 फाइल करेंगे। तो GSTR 4 में आपका फाइनल रिटर्न जाएगा GST का। GSTR 4 में आप अपनी इंटरस्टेट सारी सप्लाईज जो आपने की है उसकी डिटेल्स डालेंगे, जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है उसकी डिटेल्स डालेंगे, कंसोलिडेटेड आउटपुट सप्लाईज जो भी आपने की है उसकी डिटेल्स डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट जो आपने इशू किए हैं या रिसीव किए हैं उनकी डिटेल डालेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही जैसे आपका मेन रिटर्न होता है, लाइबिलिटी सारी जो टैक्स लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट, पेनल्टी है वो आपको पहले पे करनी होगी, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इस तरह से कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए भी सेम होता है, बस इन्हें क्वार्टरली फाइल करना होता है रिटर्न। और GSTR 1 की डिटेल्स उनके इसमें GSTR 4A में शो होती है। GSTR 4 में आपको सारी डिटेल्स डालनी है आउटपुट सप्लाई की जो आपने किया है और फाइनल रिटर्न आपका GSTR 4 में जाता है। एनुअल रिटर्न देख लेते हैं। जैसे पहले बताया था एनुअल रिटर्न सभी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना होता है अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन सभी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है ऑन और बिफोर 31st दिसंबर। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के 31st दिसंबर तक आपको रिटर्न फाइल करना होगा इन GSTR 9 में। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी हुई है तो आपका ये रिटर्न जाएगा GSTR 9A में। इसके अलावा अगर आपका ऑडिट होता है तो उन पर्सन्स को GSTR 9C में एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है आपका जो रिटर्न जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा। अगर आपके किसी मंथ में सेल नहीं होती है या आप परचेस नहीं करते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा, मीन्स आपको नील रिटर्न भी फाइल करना जरूरी होगा GST के अंदर। एक बार फिर से मैं आपको डेट्स को समराइज कर देती हूँ। आउटवर्ड सप्लाईज और TDS TCS के लिए आपको जो डिटेल्स देनी है GSTR 1 में वो आपको देनी है नेक्स्ट मंथ की 10th तक। ये मंथली रिटर्न्स के बारे में बता रही हूँ आपको। 13th डेट है IST के लिए
जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न फाइल करेंगे 13 तक करेंगे। इनवर्ट सप्लाईज़ की डिटेल आपको 15 तक करनी है, डिटेल्स डालनी है यानी जो भी आपने परचेज किया है, जो आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं 15 तक करना होगा। आउटवर्ड सप्लाई कन्फर्मेशन यानी जब आपका रिसिपिएंट डिटेल्स डाल देगा तो उसको आपको कन्फर्म करके अपने GST R1 को अमेंड करना है 17 तक, ये भी मंथली होता है। और फाइनल रिटर्न जाता है आपका 20 तक, इस 20 तक आपको पेमेंट भी करना है और रिटर्न भी फाइल करना है। क्वार्टरली कंपोजिशन वालों के लिए 18th है और एनुअल रिटर्न की डेट है ऑन और बिफोर 31st दिसंबर। कंडीशन फॉर फाइलिंग GST R रिटर्न, कुछ कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी होगी। जिस पीरियड के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपने प्रीवियस पीरियड के लिए सारे वैलिड रिटर्न फाइल कर दियो, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रिटर्न फाइल करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा जो भी टैक्स इंटरेस्ट या पेनाल्टी होती है उसका। आगे बढ़ते हुए जानते हैं रिवाइज रिटर्न, क्या हम GST में रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? तो आंसर है नो, GST में रिटर्न को रिवाइज करने का कोई कंसेप्ट नहीं है जैसा कि वेट और सर्विस टैक्स में हुआ करता था। पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो भी हमने प्रीवियस रिटर्न में गलतियाँ की थी उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उस मंथ में या क्वार्टर में जिस मंथ में हम उन गलतियों को नोटिस करते हैं। पर हम रेक्टिफाई तब नहीं कर पाएंगे अगर ये गलतियाँ टैक्स अथॉरिटी नोटिस करता है स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट के दौरान। इसके अलावा हम कुछ डेट्स दी हुई है जिसके बाद आप रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न आपको रिवाइज करना था, रेक्टिफाई करना है, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद में जो नेक्स्ट सेप्टेम्बर आएगा यानी फॉलोइंग सेप्टेम्बर मंथ का जो रिटर्न होगा उसकी जो ड्यू डेट्स होगी उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। वही चीज़ कंपोजिशन स्कीम के लिए ये होगी कि जो जुलाई से सेप्टेम्बर का जो क्वार्टर है उस क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स आएगी उसके बाद आप रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर इससे पहले आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है, चूँकि हमारे एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट्स क्या होती है 31st दिसंबर, तो अगर उससे पहले यानी सेप्टेम्बर से पहले अगर आपने एक्चुअल आपका एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया है तो उसके बाद भी आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको दो चीज़ और बताना चाहूँगी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है अगर आप कंटिन्यू 6 पीरियड तक यानी 6 पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करते, यानी कंटिन्यू आप 6 मंथ तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आपने कंटिन्यूस 3 पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है या 3 क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सपोज़ किसी मंथ में किया फिर नहीं किया फिर किया, तो इस तरह से अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है और जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं वो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गाइस आप अपना रिटर्न रेगुलर फाइल करिएगा और कंटिन्यूस फाइल करिएगा। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं GST में आइए देख लेते हैं। GST R1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 10 तक। 1A ऑटो ड्राफ्टेड होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, मंथली जाएगा आफ्टर 15th। GST R2 डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 15th। GST R2A डिटेल्स ऑफ सप्लाई ऑटो ड्राफ्टेड होता है, ये भी मंथली जाएगा आफ्टर 10th। फाइनल रिटर्न आपका जाएगा GST R3 में, मंथली रिटर्न होता है, ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 20th। GST R4 क्वार्टरली जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी उनके लिए होता है, ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 18 तक। GST R5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होगा, मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 20 तक। 5A ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड ट्रैवल सर्विसेज के लिए होगा, मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 20 तक। GST R6 ISD के लिए होता है, मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 13 तक। GST R7 TDS के लिए होगा, मंथली जाएगा और नेक्स्ट मंथ की 10 तक करना होगा। GST R8 स्टेटमेंट ऑफ TCS, मंथली जाएगा नेक्स्ट मंथ की 20 तक। और फाइनल रिटर्न आपका GST R9 में जाएगा एनुअल रिटर्न, जो भी आपका एनुअल रिटर्न होगा वो आपको GST R9 में फाइल करना होगा मंथली, इसकी डेट है ऑन और बिफोर 31st दिसंबर। अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या लेट फीस लगेगी वो हम देखते हैं। लेट फीस, अगर आप रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी और ये तब तक लगेगी जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते। मैक्सिमम पेनाल्टी 5,000 रुपीज़ होगी। इन केस आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो इसमें भी आपको पेनाल्टी लगेगी 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी हो सकती है, जो आपका टर्नओवर है उसका 0.25%। अगर आप रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक करते हैं, आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आएगा इलेक्ट्रॉनिकली, ये GST R3A में आता है। तो इस तरह से हमने GST के रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जाना।
क्या लेट फीस होती है, कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, कौन से रिटर्न मंथली फाइल करने होते हैं, कौन से क्वार्टरली होते हैं, कौन से एनुअली फाइल करने होते हैं, रिवाइज रिटर्न के बारे में जाना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।